अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज सोनेजा खान। सो कैसे हैं आप सब और कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोज़े? और जो है आज हम लोगों के घर अफ्तारी है सारे कजन्स की, यानी कि हमारे घर। और आज हम लोग अफ्तारी बनाएंगे, मतलब डेली बनती है लेकिन आज को स्पेशल बनाएंगे क्योंकि सब आ रहे हैं, सारे कजन्स आ रहे हैं। मैं तो बनाऊंगी कुछ नहीं, लेकिन खैर मामा और बहन जो बनाएंगी सब कुछ दिखाऊंगी और सब। थोड़ी देर में फिर शाम को मुलाकात होती है दोबारा, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाली है, देन वहां जाके भी फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम बैक गाइस। और अब हम लोग जो है क्या नाम है उसका, हीरापी ने जो किचन में सारी चीज़ें वगैरह स्टार्ट कर दी हैं और हम अब चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि वो क्या क्या बना रही है और किस तरह बनाएगी। सो लेट्स गो गाइस। मैं किचन में आ चुकी हूँ, यहाँ पर इसने आई थिंक सो अफ्तारी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और आए पूछते हैं आज क्या क्या बन रहा है और वो कैसे कैसे बनाएगी, मतलब क्या क्या इंग्रीडियंट्स उसमें वो डालेगी। चलें जी शेफ हीरा, बताएं क्या बना रही हैं और ये क्या कर रही हैं आप? ये किस लिए काटा है? शिमला मिर्च और गाजर, ये मैंने मैक्रोनीज बनाने के लिए काटा है। अच्छा, माइक्रोनीज बनाऊंगी, कैप्सिकम सिंपल से ही बना रही हूँ आज। मैं क्या क्या डालूंगी? कैप्सिकम डालूंगी, गाजर डालूंगी और चिकन डालूंगी। हाँ, तो किस में बनाओगी, काली मिर्चों में या रेड पेपर में? मिक्स में बनाएगी। अच्छा, और ये अभी आलू क्यों काट रही हो? ये मैं दही बूंदी चाट के लिए और चना चाट के लिए काट रही हूँ। अच्छा, वैसे आज बताओ बन क्या क्या रहा है आज? बनेगा ये माइक्रोनीज बनेंगे, बूंदी चाट बनेगी, चना चाट बनेगी और चिकन सैंडविचेस बनेंगे। अच्छा, और क्यों आज कोई स्पेशल आ रहे हो आप इतनी चीजें बना रहे हैं? कौन आ रहा है स्पेशल? हम ये पूछे तो सही, बहुत स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। अच्छा ओके, चलिए बताओ फिर बाद में पता चलेगा आप लोगों को कौन आ रहा था इनका स्पेशल गेस्ट, इन्होंने इतनी चीजें के लिए बना ली हैं। अच्छा, खाने में क्या है? खाने में बिरयानी है। खाने में बिरयानी बन रही है भाई, देखिए जरा आज बिरयानी चिकन बिरयानी बना ली है। अभी तो खाली बॉयल वगैरह चीजें करिए, अभी इंग्रेडिएंट्स ये काट रही हैं, तो जल्दी स्टार्ट करती हैं, फिर हम दोबारा मिलते हैं आगे मिलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे चीजें बनाती हैं। ये मैं कैरेट को सौते कर रही हूँ और हल्का हल्का सा करना है बिल्कुल, और इसके बाद मैं कैप्सिकम को करूँगी और फिर ये माइक्रोनीज मैंने बॉयल होने रखी हैं और चिकन मामा श्रेक कर रही हैं और बस फिर मैं इसको मिक्स कर दूँगी, मतलब कुछ छान के छान के करके फिर, और मतलब इसके बीच में मतलब जो भी मसाले क्या डालने हैं, मसाले थे दोबारा बता दो। काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च अपने अपने टेस्ट के मुताबिक और सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर डालूंगी। हाँ बस ये सिंपल से ही है, आप लोग मतलब बाकी में बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई करें, आई होप आप सबको पसंद आएंगे। देन अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट डिश के साथ, नेक्स्ट रेसिपी जो भी है। ये भी माइक्रोनीज में डालेंगे। सो फाइनली हीरा ने माइक्रोनीज वगैरह बना ली हैं और देखो कितने मज़े के लग रहे हैं, चकर से बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। अब आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, इंग्रेडिएंट्स यही डालें, सिंपल से बनाएं और मज़ा करें। ऐसे मोस्टली लोग बनाते ही हैं ऐसे, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें भी बीच में डालते हैं, लेकिन हमने नहीं डाली, हमने सिंपल से बनाए हैं। एग सैंडविच की प्रिपरेशन हो रही है, ये बॉइल्ड एग हैं और ये इसमें कितने एग लिए थे? 5 एग लिए थे और ये मैंने कैरेट और कैप्सिकम इसमें मिक्स कर दिया, बिल्कुल छोटा छोटा काट कर। हाँ, ये मोमना ने कटिंग की है, ठीक है। अब इसमें हम मायोनीज डालेंगे, आप लोग कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल मायोनीज हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। और 2 टेबलस्पून दूध के डालने हैं, टेबलस्पून 1-2 बस। अब इसको मिक्स कर दें फिर हम आते हैं, ठीक है। ये ब्रेड के जो है साइड्स के जो किनारे हैं वो काटनी है और इसमें ये सारा मटेरियल लगा दिए और फिर इसको हम फ्राई करेंगे? नहीं, बस रख देंगे।
फ्रिज में। किनारे काट के वैसे किनारों के साथ भी बन सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग तो देखने आपको पसंद है तो ठीक है, हमें नहीं पसंद है काट लो। देन अब ये सारे में करके फिर जब ये फाइनल होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, ये यम्मी से सैंडविच तैयार है और एग सैंडविच, सो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। ओके, सो गाइज, हम लोगों ने जो वो सैंडविच बनाए थे उसको हम लोगों ने क्या किया, गीले दस्तरखान में, मतलब गीला किया हल्का सा दस्तरखान और उसके अंदर लपेट के रखें, देन उसको फ्रिज में रखें, क्योंकि उसके बाद अगर आप लोग किसी तरह सूखे अगर आप देंगे बगैर सूखे तो आपके जो सैंडविच है वो ड्राई हो जाएंगे। सो इससे बेहतर है कि आप लोग उसको गीले दस्तरखान में, इतना गीला बिल्कुल ही ना कर देना, बिल्कुल ड्राई गीला जो होता है, ये ड्राई गीला क्या होता है, मतलब बिल्कुल हल्का सा जो गीला होता है ना उसको आप उसमें आप अपने जो है ना उसमें रखें अपने। चलो गाइस, ये हम चना चार खेरा पीछे तैयार कर लिए। अब पूछते हैं कि इसमें फ्रिज में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले। आलू डाले, चॉप किया हुआ टमाटर डाला है, प्याज डाला है, चने हैं और नींबू डाल रही हूँ, चाट मसाला, नमक डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और अब इमली का पानी एंड में डाल देंगे। अच्छा गाइस, वो जो मैं कह रही थी ना कि वो मामा इमली की चटनी नहीं बनाई थी, वो इमली का पानी बनाई थी, मैं समझी कि इमली की चटनी बना रही है, तो देन हम लोग अब इमली का पानी इसमें ऐड करेंगे और इमली वाली चाट बनाएंगे और दैट्स इट। अब हमारा और जाएगी है दही बूंदी और बूंदी चाट रहेगी, हाँ, और फ्रूट चाट और फ्रूट चाट रहेगी, देन वो जब करते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रूट चाट हमारी रेडी हो चुकी है और इसमें क्या क्या फ्रूट्स डाले, केला, अमरूद, सेब, अंगूर, स्ट्रॉबेरी और आड़ू और वो बस, और काली मिर्चें थोड़ी सी डाली और नींबू डाला है, देन और हम लोगों की फ्रूट चाट तैयार हो गई है और अब हमारा सब कुछ बस पकौड़े रह गए अब हमारे, देन अब वो हम बनाएंगे। सो गाइस, पकौड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और रेडी हो रहे हैं और ये है बेसन सिंपल आलू के पकौड़े। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी और अब मोस्टली के गेस्ट ने आना शुरू कर दिया है और मतलब कि सारा कुछ रेडी हो चुका है जो मैंने सब कुछ बना लिया है और बनानी है और जो बस अब सब कुछ लगता है लास्ट में वो दिखाती हूं। आगे हमारे गेस्ट आना शुरू कर दिए और जो है, हेलो मोहन, हेलो आगे, ओह माय गॉड, सो गाइस सारे आ चुके हैं और इफ्तारी लग चुकी है और सब बैठ के दुआ मांग रहे हैं और आप लोग भी हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आमीन होगी, मांग लिए। नम्रा की एनिवर्सरी निकाल, तो हम उसका भी केक काटेंगे, तो आज नम्रा जो हमें याद है सारा ख्याल रखेगा, फिर नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे, मैं देख सारा ख्याल रखेगा, लाफेज।